मथुरा जनपद के थाना जमुना पार के चंद्रावली कोल्ड के पास बिजली विभाग के जेई प्रदीप कुमार की हत्या को लेकर लोगों में लगातार रोष पनप रहा है, जिसके चलते परिजनों और बिजली विभाग कर्मचारियों ने नारेबाजी करते हुए जमकर प्रदर्शन किया। परिजनों ने इस मामले में पुलिस से जल्द कार्यवाही की मांग की है। आपको बता दें कि हत्या की जांच के लिए आज निरीक्षण करने के लिए आगरा से आईजीए सतीश गणेश ने एसएसपी डीएम सहित आला अधिकारियों के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने जल्द घटना के खुलासे के आदेश दिए हैं। इसके बाद जब पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में डीआईजी कमिश्नर और आईजी अधिकारियों के साथ घटना के अनावरण के लिए बैठक कर रहे थे, उसी दौरान सैकड़ों की तादाद में विद्युत विभाग के कर्मचारी प्रदर्शन करते हुए पीडब्ल्यूडी की गेस्ट हाउस पहुंच गए। विद्युत विभाग के कर्मचारी ने प्रदर्शन करते हुए घटना के खुलासे की मांग की और कहा कि हमें सुरक्षा प्रदान की जाए। उन्होंने मुख्य अभियंता ए के चौधरी की बर्खास्तगी की मांग की है। इस दौरान कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी की। डीएम सर्वज्ञ राम मिश्र और एसएसपी शलभ माथुर ने विद्युत विभाग के कर्मचारियों को कार्यवाही का आश्वासन देकर शांत करवाया। इस दौरान विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने डीएम सर्वज्ञ राम मिश्र को ज्ञापन सौंपकर मामले में जल्द खुलासे की मांग की है और मृतक प्रदीप कुमार के परिवारजनों को आर्थिक सहायता के रूप में 1 करोड़ दिए जाने की बात कही। आपको बता दें कि मथुरा जनपद के थाना जमुना पार के चंद्रावली कोल्ड के पास बिजली विभाग के जेई प्रदीप कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसको लेकर परिजन व विभाग के कर्मचारी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं और कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। मथुरा से संवाददाता जाहिद सैयद की रिपोर्ट। सर्विस के दौरान, नौकरी के दौरान वो अपने कार्य पर स्थित था, कार्य में ब्रेक डाउन अटेंड करके आ रहा था। तो अज्ञात लोगों ने पुरानी रंजिश के उसमें गोली मार दी गई, उसकी हत्या हो गई। अब आप क्या करना चाह रहे हैं? हम लोगों की केवल एक प्रशासन से ये मांग है कि हमारे उस साथी को, क्योंकि वो ड्यूटी पर था, उसे शहीद का दर्जा दिया जाए और दूसरा उसके परिवार को सहायता ए रूप में तुरंत 1 करोड़ रुपए दिया जाए, सुरक्षा की व्यवस्था की मुकाबले व्यवस्था की जाए सभी साथियों के साथ। आप लोग यहाँ से कहाँ जा रहे हैं? अभी हम जा रहे हैं पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस। कौन है वहाँ पे? अपने एमडी मैडम, एमडी महोदय हमारी आई हुई है। अच्छा। और प्रशासन के अधिकारी भी वहाँ पर। अच्छा अच्छा, प्रदेश अध्यक्ष कौन है? अभी यहाँ कोई आए हुए हैं अपने विद्युत विभाग के प्रदेश अध्यक्ष? दक्षिण अध्यक्ष। कौन है? हम दक्षिण। क्या शुभ नाम है? सतवीर सिंह। सतवीर सिंह, अच्छा ठीक है। तो यहाँ से आप पैदल मार्च करके जा रहे हैं? हाँ, पैदल। जी जैसा कि एक आपको जानकारी है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है और जो डेड बॉडी उसका पोस्टमार्टम करा के क्रिमेशन के लिए जो उनके मूल निवास से वहाँ भेज दिया गया है। जो विभागीय जो है कर्मचारी और उनके साथी, उन लोगों ने जो है कुछ अपनी मांगे रखी हैं, साथ ही साथ पुलिस की टीम इसके अंदर लगी हुई है और लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि घटना का यथाशीघ्र अनावरण किया जाए। कुछ लोगों को हम लोगों के द्वारा पूछताछ हेतु डिटेन भी किया गया है और हमारी जो भी टीम्स हैं इसके अंदर लगातार कोऑर्डिनेट करके कार्य कर रही हैं और हम लोग का, जैसे मैंने पुनः बताया, कि प्रयास है हर एंगल के ऊपर देखते हुए इस घटना का यथाशीघ्र अनावरण किया जाए। सर कितनी टीमें लगाई हैं? जी इसके अंदर लगभग जो है 1 दर्जन टीमें लगी हुई हैं जो कि हर एंगल को देख रही हैं, मूवमेंट से लेके जो कल स्पेशली कोई अलग से कोई इनपुट तो नहीं आया है, ये सब चीज़ों को देखते हुए साथ ही साथ एक टीम जो है वहाँ आसपास के लोगों से पूछताछ करने के लिए अलग अलग टीम्स यहाँ पर लगी हुई हैं और लगातार जो हमारे एसपी क्राइम है, एसपी सिटी है, ये लगातार इसको देख रहे हैं और हम लोग के द्वारा इसको, जैसा मैंने बताया, कि लगातार यही प्रयास किया जा रहा है कि यथाशीघ्र इसका अनावरण किया जाए। सफलता होगी और चुनौती तो अभी यही है, उसमें पुलिस के लोग बहुत गंभीरता से काम कर रहे हैं। अभी इतना ही कह सकते हैं, कप्तान साहब भी आपको बताएंगे, जो लीड या जैसा आएगा, हमने ये अनुरोध किया है संगठन के पदाधिकारियों से कि कभी कभी कुछ सूचनाएँ हमको आपके जो ग्राउंड स्टाफ होता है, गांव के लोग होते हैं या लाइन मैन या अगर कुछ ऐसा आए, कुछ भी हो, तो हमको भी उसमें सहयोग प्रदान करें और काम इस पे चल रहा है। देखिए इसमें मेरा ये है, जो मांग है वो तो ज्ञापन में उन्होंने लिखा है, वो तो हम बता दिए, कोई तो भेजेंगे भी, जो भी हो सहायता मिलेगी वो सहायता उन परिवार तक पहुंचाई जाएगी।
जहाँ तक ड्यूटी की बात है, निश्चित रूप से चूँकि हम लोग सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं तो ड्यूटी में कभी कभी रहता है, और चूँकि ये एसेंशियल ड्यूटी है बिजली विभाग की, बिजली है, पानी है, ये सब चीज़ें हैं, तो ये लोग हरदम सहयोग करते रहते हैं शासन का। अब उनकी जो बात आई हुई, उन लोगों ने मुझसे भी ये बात कही है, उस पर जो भी संभव होगा विभागीय अधिकारी उस पर देखते हैं। को लेकर आज आला अधिकारियों के साथ एक वार्ता की गई, क्या आश्वासन निकला क्या भैया आईडी सर? चल मैं जो कल की जो घटना है, निश्चित रूप से पूरे विद्युत परिवार के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और हृदय का विदारक घटना है। उसमें पूरी एक संघर्ष समिति के माध्यम से हम लोगों ने जिलाधिकारी और SSP महोदय को ज्ञापन दिया गया है कि जो भी इसमें हत्यारे हैं, क्योंकि ये जो हत्या हुई है वो साजिशन षड्यंत्र रच के की गई है, पूर्व नियोजित है, निश्चित तौर पर उनसे पहले भी उसी गांव में कुछ लोगों के द्वारा उनके विवाद कुछ स्थिति बनी थी, उसी का अंजाम हम मानते हैं कि उसी के परिणाम स्वरूप ऐसी घटना को अंजाम दिया गया है। सुनियोजित घटना है, तो हम चाहते हैं कि हमारा जो कर्मचारी है ऑन ड्यूटी सरकारी काम करते हुए, मतलब उसकी हत्या हुई है तो उसको शहीद का दर्जा दी जाए। दूसरा, उसकी आर्थिक हालत इतनी मजबूत नहीं थी क्योंकि अभी नए नए अभी नौकरी में आए थे, तो हम चाहते हैं कम से कम सरकार की ओर से 1 करोड़ रुपया धनराशि जो है अनुदान दिए जाए, और बाकी भी जो क्लेम्स हैं हम अपने प्रबंधन से भी मांग करेंगे कि जितने भी क्लेम्स हैं, क्योंकि ये ऐसे पोस्ट है कि उसमें बहुत सारे अकाउंट्स की लाइबिलिटीज रहती हैं, उनको सबको दरकरार करते हुए उनकी जितनी भी लाइबिलिटीज है तत्काल उनको मतलब उनको क्लियर किया जाए। खुलासे को लेकर अल्टीमेटम दिया गया फिर चौबीस घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है, और DM महोदय और SSP महोदय द्वारा आश्वस्त किया गया कि जल्दी मतलब उन पर कार्रवाई की जाएगी। कौन इसमें षड्यंत्र करता था? अब ये क्या बताइए, तो ये तो जांच का विषय है, पुलिस उस पर जाँच करेगी, और उस पर पूर्व में भी जो घटना उनके साथ हुई है उसकी भी कई मुद्दों पर मतलब जाँच दी जा रही है, और हम लोगों से भी और हमारे जितने भी विभाग से जुड़े हुए लोग हैं उनसे भी इनपुट SSP महोदय द्वारा मांगे गए, और जो भी हम लोगों को सूचना मिलेगी उसको भी उनके साझा किया जाएगा, और कोशिश कार्य बहिष्कार आपका कल भी जारी रहेगा जी। कार्य बहिष्कार 24 घंटे के लिए तो हमने अल्टीमेटम दिया ही है, दिया है 24 घंटे में कर रहे हैं, उसके बाद में संघर्ष समिति मीटिंग करके आगे की जो भी निर्णय लेगी उस पर कार्रवाई। आपके द्वारा प्रदर्शन में नारे लगाए जा रहे हैं, AK सिंह हत्यारा है, बर्खास्त, तो ये चीफ साहब को लेकर ये क्यों किया जा रहा है सर? नहीं, मुख्य अभिनता आगरा देखिए, तो रोष है कर्मचारियों में, रोष की स्थिति में कुछ भी हो सकता है। इसमें हम तो सभी को मान रहे हैं भाई, हमें पूरी सुरक्षा दी जाए, जो हमारे कर्मचारी राजस्व वसूली में लगे हुए हैं, शाम को 5 बजे तक राजस्व वसूली करते हैं, कैश लेके आते हैं, किसी के साथ भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है। केवल एक चीफ को लेकर पूरे प्रशासन से, हमारी चीफ से मतलब नहीं है, ऐसी से प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या आप उन्होंने मांग की और आपने क्या आश्वासन दिया? कल यहाँ पे एक बहुत ही दुखद घटना हुई है, और उसमें जो हम लोग का पूरा विद्युत विभाग का परिवार है, वो जो दिवंगत JE है उनके परिवार के साथ इस टाइम पे खड़ा हुआ है, और यहाँ पे जो है हम लोगों को पूरा सहयोग मिल रहा है पुलिस प्रशासन से, और जो विभागीय डिमांड्स हैं उन सब लोग पे हम लोग विचार करेंगे, और उसको उच्च प्रबंधन तक पहुँचा करके उस पर जो भी निर्णय होगा उसका हम लोग। वो अपने नारों में कि नहीं KK चौधरी जी का नाम ले रहे हैं, क्या मामला? अभी उस बारे में मेरी इन लोगों से बात हुई है, हम लोग उसमें देखते हैं। षड्यंत्र भी बताया उन्होंने कि षड्यंत्र के तहत हत्या की गई है, पहले भी ऐसे कई वारदातें हो चुकी है, ये सब जांच का विषय है, इस पे ऐसे कमेंट करना क्या? कुछ मांगे रही क्या रही? देखिए, ये सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा ये गंभीर घटना है, और इसको लेके जो मथुरा का पुलिस प्रशासन है और सामान्य प्रशासन है, हमें मृतक परिवार के साथ पूरी संवेदना है, और साथ ही साथ चूँकि एक चैलेंजिंग क्राइम हुआ है तो हम लोगों ने इसको पूरी गंभीरता से लिया है। मैं ये बताना चाहूँगा कि जो आपके जनपद के DIG पब्लिक SSP मथुरा हैं, पूरी रात इन्होंने इसमें मेहनत करी है, और कुछ हम लोग को महत्वपूर्ण इसमें लीड मिले हैं, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं, कई टीमों को सक्रिय किया गया है, आगरा की जो साइबर टीम है उसको भी हमने यहाँ पे काम पे लगाया है, और जो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस का हम लोगों को काम करना होता है उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं, प्लस इस क्षेत्र के जो पुराने अपराधी हैं उनकी सक्रियता के बारे में भी जानकारी एकत्रित कर रहे हैं। हम लोगों का प्रयास ये होगा कि इस घटना का शीघ्र हम लोग खुलासा करें, ताकि जो घटना हुई है उसके संबंध में जो आगे की कार्रवाई करनी है वो कार्रवाई हम लोग करें। और साथ ही साथ मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा कि जो भी अपराधी इस पे पकड़े जाएंगे उनके विरुद्ध हम लोग कठोरतम कार्रवाई करेंगे, आवश्यक हुआ तो उनके विरुद्ध हम NSA तक की कार्रवाई भी करेंगे।
ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।